26 मई 1964 राजेंद्र कुमार कारदार स्टूडियो में रामानंद सागर की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आरजू का शूट चल रहा था। वहां उन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर ग्रेट महबूब खान का फोन आया। महबूब खान ने पूछा कि मुझसे कब मिल सकते हो। राजेंद्र कुमार ने कहा कि कल मेरी शूटिंग नहीं है, सो कल मिलने आ जाता हूं। कल यानी 27 मई 1964 को राजेंद्र कुमार सुबह सुबह पहुंच गए महबूब खान के घर। दुआ सलाम के बाद महबूब खान ने अपनी हालत बयान करनी शुरू की। सन ऑफ इंडिया की असफलता से जबरदस्त आर्थिक संकट में डूब गए थे, कर्जा चढ़ गया था। खास तौर से एक बहुत बड़े फाइनेंसर के 4 लाख रुपया बकाया थे और वो पैसे वापस करने के लिए बहुत परेशान कर रहा था। इस संकट से बचने के लिए उन्होंने राजेंद्र कुमार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि राजेंद्र कुमार उन्हें 4 लाख रुपया दे दें और जब तक ये रुपया चुक नहीं जाता तब तक महबूब स्टूडियो राजेंद्र कुमार के पास गिरवी रहेगा। राजेंद्र कुमार के लिए 4 लाख रुपये मामूली सी रकम थी, इसलिए उन्होंने कहा कि स्टूडियो गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं, मेरे लिए आपकी जुबान ही काफी है। इस पर महबूब खान बोले कि बेटा मैं दिल का मरीज हूं, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखें। राजेंद्र कुमार ने उन्हें तसल्ली दी, आश्वासन दिया, 4 लाख रुपए देने को तैयार हो गए। अगले दिन सुबह 11 बजे आकर पैसे देने का वादा कर लिया। अचानक खबर मिली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अटैक आया है, दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत गंभीर है। महबूब खान पंडित नेहरू के मुरीद थे और पंडित जी भी महबूब खान को बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे। ये दुखदाई खबर सुनकर महबूब खान बहुत बुरी तरह से विचलित हो गए, रोने लगे, कुरान पाक उठाया, सीने से लगा लिया और दुआ करने लगे। उनकी पत्नी और राजेंद्र कुमार ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, तसल्ली दी कि पंडित जी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। इसके थोड़ी देर बाद राजेंद्र कुमार वादा करके चले गए कि कल 11 बजे 4 लाख रुपए लेकर आता हूं। कल यानी कि 28 मई 1964 को 11 बजे आता हूं मैं। राजेंद्र कुमार चले गए। 27 मई 1964 दोपहर के 2 बजे सारा देश शोक में डूब गया। संपूर्ण राष्ट्र स्तब्ध था। लाख कोशिशों के बावजूद पंडित नेहरू को बचाया नहीं जा सका। राजेंद्र कुमार भी पंडित नेहरू को याद करते करते भारी मन से 27 मई की रात बहुत देर से सोए। अगले दिन सवेरे सवेरे 6 बजे फोन की घंटी ने उन्हें जगा दिया। फोन था महबूब खान के बड़े बेटे अय्यूब खान का। अय्यूब खान ने बताया कि कुमार साहब, नानावटी अस्पताल में सुबह 2 बजे अब्बा यानी कि महबूब खान साहब का इंतकाल हो गया, जनाजा सवेरे 11 बजे निकलेगा। 28 मई 1964 सवेरे 11 बजे एन वही दिन, वही वक्त जब राजेंद्र कुमार को महबूब खान से मिलना था ताकि महबूब खान अपना कर्जा उतार सकें। लेकिन महबूब खान फिल्म जगत को कर्जेदार बनाकर इस बहरे हस्ती के उस पार चले गए। ये दुनिया छूटती है, मेरे जिम्मे कुछ न रह जाए, बता ए मंजिले हस्ती तेरा कितना निकलता है। ब्रेक के बाद याद करेंगे गायक और संगीत निर्देशक पंकज मलिक को हमारे रेगुलर सेगमेंट में जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।